हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊं रेलवे साइको टेस्ट के लिए 100% सफलता का गुरु मंत्र, जिसने मार्केट में आग लगा दी है। ऐसी टेक्निक कभी भी आज तक नहीं आई है। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टेस्ट होता है, जिसकी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं अगली 5 वीडियो में। पहली बार ये कंप्यूटर बेस्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। इसके लिए मात्र 100 रुपीज में आप मेरे से कोड ले सकते हैं। हमारा एक वेब पोर्टल है साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए, मात्र 100 रुपए में। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूं 9837282318। इसे आप अपने व्हाट्सएप नंबर में सेव कर लीजिए, अपना नाम लिख भेजिए। 10 से 20 टेस्ट मिलेंगे, कहीं भी आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट नहीं मिलेगा। ये मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा। ये टेस्ट बैटरी किस तरह की होगी मैं बता देता हूं। इसमें 5 टेस्ट है। एक तो है मेमोरी टेस्ट, स्मृति परीक्षण, और ये सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षण है। अभी तक कहीं पर भी आपको इसकी ट्रिक नहीं मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मेमोरी ट्रिक मैं आपको दूंगा। भारत में पहली बार यूट्यूब पे धमाका, जिस ट्रिक ने आग लगा दी है वो ट्रिक मैं आपको दूंगा, स्मृति परीक्षण। दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, हर बच्चा इसे कर लेता है, निर्देश समझने की योग्यता का परीक्षण। डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण। डेप्थ तथा ईंट वाले जो सवाल होते हैं, अभी मैं आपको इसकी डिटेल भी बता दूंगा। टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन अक्षमता परीक्षण। और टेस्ट ऑफ परसेप्चुअल स्पीड, प्रत्यक्ष गति परीक्षण। आप टेंशन मत लीजिएगा, इस वीडियो की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहला टेस्ट है 1A, जिसमें मेमोरी टेस्ट होगा। इस परीक्षण में आपको एक नक्शा दिया जाएगा, जिस पर अंकित इमारतों और अन्य आकृति को आपको कुछ समय तक देखकर याद करना होगा। ये मैंने एक छोटा सा मैप लिया है, वहां पे आपको पूरा इतना बड़ा मैप आएगा, जिसमें अलग अलग बॉक्स में, किसी में ट्रायंगल में, स्क्वायर में, कुछ घरों की स्थिति बनी हुई होगी। देखिए, ये घर बगैर छत का है, ये छत वाला घर है, लेकिन इस छत के ऊपर चिमनी नहीं है और इस छत के ऊपर चिमनी है। तो तीन तरह के घर हो गए, बगैर छत वाला, झोपड़ पट्टी की तरह छत नहीं है, ये बगैर चिमनी वाला घर, हाउस जो हम घर बनाते थे, और ये आपका चिमनी वाला, और यहां पे एक यू बना हुआ है, इसे भी ध्यान रखना है। तो देखिए, बगैर छत वाला ये घर कहां था, यहां पे था, चिमनी वाला कहां था, यहां पे था, और बगैर चिमनी वाला घर का डिजाइन कहां पे था, वो यहां पे था। तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट का ए, सेकंड का आप लगाएंगे सी, और थर्ड का बी। इस तरह से आपके आंसर हो गए ए सी बी। ये देखिए, अब जो है अभ्यास माला ऐसी खतरनाक आने वाली। यहां पे कई सारी बिल्डिंग्स के नाम दिए हुए हैं, इन सबको याद करना है 2 मिनट के अंदर। 12 चीजें आपको याद करनी होंगी। देखिए, यहां पे एक इंडिया गेट दिख रहा है, ये मंदिर दिख रहा है, ये एक गोल लट्टू सा दिख रहा है, एक्चुअल फिगर नहीं दिख रही, ये ट्रायंगल गीजा का पिरामिड दिख रहा है, इस तरह से अलग अलग बिल्डिंग्स है, ये सब आपको यहां भरनी होंगी। कहां पे भरेंगे, देखिए, जैसे अगर हम बात करें पिरामिड की, तो गीजा का पिरामिड ये 15, तो 15 सी पे आएगा, कहां आएगा, सी पे। तो इस तरह से आपको याद करना होगा। देखो, ये 15 सी पे है गीजा का पिरामिड, 15 का आंसर सी हो गया। तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। और ऑनलाइन टेस्ट मात्र 100 रुपए में आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, मात्र 100 रुपीज में टेस्ट कर सकते हैं, मात्र 100 रुपए। ये सारे आंसर मैंने यहां पे आपको दे दिए, इसको एक बार आप करके देखिएगा और इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पूरी की पूरी वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी, और उसको प्रिंट आउट निकाल ले लीजिएगा और तब इस टेस्ट को करके देखिए। दूसरा 1B स्मृति परीक्षण आता है, जिसमें आपको ये याद करने होते हैं। जैसे ये फावड़ा है, ये 75 पे है, और यहां पे 75 आपको पिक्चर में दिखाई नहीं देता, 75 की पीवीआई है कोल, पीवीआई होती है पर्सनल विजुअल इमेज। यही टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जिस टेक्निक से आप इसको याद कर सकते हैं। कोयले फावड़े से उठाए जा रहे हैं, गोगल्स अंगूर गोल गोल, गोगल्स भी गोल गोल, बस इस तरह से आप ये याद करिएगा। ये आपको समझ में आएगा जब आप मेरी 5 वीडियो देख लेंगे। प्रेस प्रेस रेन, इसकी पीवीआई है 42 की पीवीआई, पर्सनल विजुअल इमेज है रेन, आपको ये रेन से रिलेट करना है। और ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये आपको बाद में समझ में आएगा। बरसात में प्रेस रेन से बरस रही है, कोयले से फावड़ा उठा रहे हैं, गोगल्स में गोल गोल गोले लगे हुए हैं, और बम
बैटरी के अंदर बम भरा हुआ है और उस बैटरी को चलाने से बम फट जाता है, और हमने इस गमले की चेयर बना ली। इस गमले की क्या बना ली? चेयर बना ली। ये जो कोड मैं आपको बता रहा हूं इसे पीबीआई सिस्टम बोलते हैं। अगली 5 वीडियो आपको देखनी होगी, तब आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या कहा है। और सेठ जी अभिषेक बच्चन हमारे सेठ जी हैं और वो एक बुक पढ़ रहे हैं, बस इतना आपको याद रखना है, आपको याद हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहां पे बम बैटरी में बम था, इसका आंसर बी होगा। मैंने इमीडिएटली बताया प्रेस से रेन बरस रही है, बी का 42 होगा। गमले की हमने चेयर बना ली, इसका ऑप्शन ए होगा। और बुक हमारे सेठ जी पढ़ रहे हैं, सी होगा। गोल गोल गोगल्स यानी डी होगा। फावड़े से हम कोयले उठा रहे हैं, सी होगा। और यही आंसर 100% सही आएंगे। देखिए बी, दूसरे का बी, तीसरे का ए, चौथे का सी, पांचवे का डी और सी। ये ट्रिक आपको ऐसे समझ में नहीं आने वाली है। मेरी 5 वीडियो मेमोरी टेस्ट की जो दूंगा 100% गारंटी है, ये टेस्ट जो कर लेता है वो सफल हो जाता है, क्योंकि बाकी टेस्ट आसान है, सब कर लेते हैं। इस टेस्ट को हम बोलते हैं 1 से 100 तक के नंबर दिए होंगे, ये नंबर 1 से 100 तक हो सकते हैं, और वो केवल और केवल हमारी मेमोरी ट्रिक, जिसे हम बोलते हैं पीवीआई मेमोरी ट्रिक, पर्सनल विजुअल इमेज ट्रिक, उससे ही आप ये करके आ सकते हैं और 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। देखिए यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये यहां पे एफिल टावर है, लावा, एफिल टावर निकल रहा है लावा से। रॉकेट में हमने चिप लगा दी, चिक में घंटी लगी हुई है, एक चिक है, और रो रो के बम रो रो के दिखा रहा है मुझे फटना है। एक स्वीट 16 लड़की पंखा चला रही है, राम टेलीफोन पे बात कर रहा है, बस जो है नवग्रह पे नौ दुर्गा बैठ के आई है, एरोप्लेन गोल्ड का बना हुआ है और कीबोर्ड में लीची लगी हुई है, एक वेब कैम राहु केतु लेके आई है, और एक गोल चक्कर जो नटराज का है वो इससे चिली निकल रही है गोल गोल चक्कर से, जेल में जाके आपको गोल गोल चक्कर पीसना पड़ रहा है। दूरदर्शन पे अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, हथौड़े से बीच पे हमने हर बंदे को तोड़ फोड़ दिया है, और ये एक आपका टावल है ब्लू कलर का, अटैक हो रहा है कि ब्लू कलर का टावल मैं लूंगा। एक बॉक्स है बस में, टाइम जो है नहीं है हमारे पास लाल किला जाने का, टाइम वॉच हमारी खराब चल रही है। एरोप्लेन सिंपल ब्लैक वाला, ब्लू वाला एरोप्लेन गोल्ड का था, ब्लैक वाला एरोप्लेन में लोयन आ रहा है। नमकीन हमने कैची से काटी उसके पैकेट को, और जो फ्लॉपी डिस्क होती थी वो चाट में, उसके ऊपर हम चाट रख के खाते हैं क्योंकि आजकल फ्लॉपी डिस्क काम नहीं आती। एक सन हमने फोब घड़ी में डाल के गले में डाला। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आप मेरी 5 वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा। देखिए बम रो रहा है, जैसे मुझे ये याद आया, पेरिस से लावा निकल रहा है यानी बी याद आया मुझे, और आपका पहला है ब्लू टावल, ब्लू टावल लेने के लिए अटैक कर दिया, ब्लू एरोप्लेन गोल्ड का बना है, कीबोर्ड में लीची लगी हुई है। सेकंड है हथौड़ा, हथौड़े से बीच पे अटैक कर दिया, बस में बैठ के नवदुर्गा आ रही है, रॉकेट में हमने चिप लगाई हुई है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, घंटी चिक में लगी हुई है, डी ऑप्शन होगा, वेब कैम राहु केतु लेके आए, टेलीफोन राम बात कर रहा था, फ्लोपी पे रख के हम चाट खा रहे हैं, सन जो है फोक घड़ी में हमने अपने गले में पहन लिया, स्वीट 16 लड़की गोल गोल घेरे को घुमा रही थी, और जो ये हमारा रेत वाली घड़ी, हमारे पास लाल किले में जाने का टाइम नहीं है, और ये जो नटराज वाला है चिली, जेल में जाके चक्की पीस रहे हैं गोल गोल, कैंची से नमकीन का पैकेट काटा, दूरदर्शन पे अमिताभ बच्चन आया, ब्लैक कलर के एरोप्लेन में लोयन आया है, और जो ये बॉक्स है 10, ये बॉक्स है बस, बस के अंदर बॉक्स भर के आए। ये एज इट इज 100% याद हो जाएंगे, लेकिन आपको ये ट्रिक सीखनी होगी तभी कर पाएंगे, और ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आती है स्मृति परीक्षण का सी पार्ट। यह परीक्षण 2 भागों में बटा होता है, रेलवे मानचित्र के बाईं ओर दिया होगा, मानचित्र में प्रत्येक स्टेशन की सही स्थिति आपको लिखनी होगी, वह अक्षर जो मानचित्र से स्टेशन के स्थान पर आता है वही आपका उत्तर होगा। चलिए मैं दिखा देता हूं किस तरह का परीक्षण है। देखिए यहां पे आपको 3 स्टेशन दिए हुए, ये वाले, तो ये छोटा गेज है, ये ब्रॉड गेज है। सोक 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 में देखिए जो भी वर्ड लिखा हो, जो भी स्टेशन का कोड हो, उसे आप कैसे पढ़ेंगे। सोक सोक में मैं छोटे पे चला गया,
डेट, डेट मुझे बड़े स्टेशन पर मिली, पर पी आई आर, पर मुझे सबसे नीचे वाले स्टेशन पर मिला, पर पड़े मिले फर पर, और ये दोनों स्टेशन मीटर गेज और केवल ब्रॉड गेज के दिए हुए हैं। तो देखिए यहां पे क्या था, पर यहां पे था, यानी इसका ए हो गया, ये पर कहां पे था, इस जगह था, इस जगह। सोक कहां पे था, सोक था यहां पे, और डेट कहां पे था, डेट था यहां पे, सी। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, चेक कर लीजिए। इस तरह से आपको ये याद करना होता है मेमोरी टेस्ट, ये भी आपको टेस्ट दिया जाएगा। फिर है 1D मेमोरी टेस्ट का चौथा टेस्ट, स्मृति प्रश्न पर आपके सामने आकृति को युग्मों में याद करने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। माउस से क्लिक करना है और 20 समस्याएं मिलेंगी। यदि यहां पे आपको ये दोनों आकृति आपस में जोड़नी है, इन्हें हम OVA प्रिंसिपल से जोड़ते हैं। यदि ये बूढ़ा एरोप्लेन में जा रहा है, ये जवान फूलों का गुलदस्ता ले रहा है, और बूढ़ा एक कराटे का साइन भी दिखा रहा है, ट्रैक्टर ये लड़की चलाती है, और ट्रैक्टर चलाने की टेक्निक फोन पे पूछ पूछ के किताब पे लिख रही है, और ये लड़की जो कंप्यूटर चला रही है, इसके दिमाग के हमें पेंच टाइट करने पड़ेंगे प्लास से, कि ये हमेशा इसमें घुसी रहती है। बस इस तरह से आपको ये याद हो जाएंगे। देखिए ये जो कराटे चला रहा है, ये एरोप्लेन चला रहा था, ये चार वाला, ये लड़का स्मार्ट सा था, ब्राउन कलर का स्टाइल में खड़ा था, वो ये वाला है। ट्रैक्टर एक लड़की फोन पे बात कर रही थी और लिख रही थी, तो ये वाला होगा, और इसके दिमाग के पेच में ठीक करने पड़ेंगे प्लस से। तो ये चार आंसर आपके सही हो जाएंगे इस तरह से। एक और पांचवा मेमोरी टेस्ट आ सकता है, यह स्मृति का परीक्षण। यह परीक्षण दो भागों में है, प्रत्येक भाग में एक अध्ययन और एक परीक्षण प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखिए यहां पे ये दिए हैं, ये आकृति दिए हैं, अब आप इन आकृति को कैसे याद रखेंगे। देखिए एक बाल वाला बंदा है, उसका मुंह दिख रहा है और उसकी एक आंख दिख रही है, मुंह आंख और बाल। इसमें क्या दिख रहा है, दो फेफड़े दिख रहे हैं, ऊपर एक और दिख रहा है, और इसमें सफेद बाल वाले बंदे के नीचे दो काली आंखें दिख रही हैं, बड़ी और छोटी। बस इस तरह से याद करनी है, सफेद बंदे के नीचे काली आंख, तो ये नुकीली वाली आंख तो यहां हो गई, दूसरे पे यहां पे फेफड़े के बाद एक छोटा फेफड़ा। तो आपके सारे आंसर सही हो जाएंगे, ए इसका हो जाएगा, सी इसका हो जाएगा, और ई इसका हो जाएगा, जो आंसर आपको यहां दिए हुए, ए सी ई। अब देखिए यहां पे जो मैंने दिए हैं, ये आपको मेमोरी टेस्ट दिया, दूसरा टेस्ट है योग्यता परीक्षण, तीसरा चौथा पांचवा टेस्ट, ये सारे टेस्ट मैं आपको बताऊंगा। ये मैंने केवल मेमोरी टेस्ट के लिए बताया। मेमोरी टेस्ट पांच तरह का टेस्ट आता है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये नंबर वाला है। ये नंबर वाला टेस्ट मैं आपको करना बताऊंगा, इसकी पांच वीडियो देने वाला हूं। तो पहली जो टेक्निक है उसमें घर होते हैं, एक मैप के अंदर 12 घर आएंगे, उनकी स्थिति बतानी है, इस तरह का पेपर आएगा। दूसरा टेस्ट आ सकता है ये वाला, जिसमें नंबर होंगे, इसकी पांच वीडियो मैं आपको इस वीडियो के बाद दे दूंगा। फिर आपका आता है छठा, जो आता है तीसरा मेमोरी टेस्ट आता है स्मृति परीक्षण, रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक पे नाम याद करने होते हैं और क्या उसकी स्थिति है, कौन से नंबर का ट्रैक है। फिर चौथा परीक्षण है जब हमें फोटो के साथ किसी आइटम को याद करना होता है, और फिर लास्ट वाला है पांचवा, ऐसे कुछ डॉटेड फिगर्स बनी होंगी उनको हमें याद करना होता है। तो पांच मेमोरी टेस्ट मैंने आपको बताए हैं, इन सबको जरूर देखिएगा। अगर आपको लगे ये वीडियो हेल्पफुल है, आपके काम आ सकती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाला आइकन भी दबाएं। और मेमोरी टेस्ट जैसे मैं आपको बताऊंगा, अपना दिमाग बिल्कुल घर रख के आना, ये चीज मत सोचना मैं क्या कह रहा हूं, और ये मैं बिल्कुल पते की बात कह रहा हूं। जितने लोग इसको कर लेंगे ना, उतने लोग मेमोरी में सफल हो जाएंगे। इस वीडियो के बाद पांच वीडियो में मैं आपको PVI सिस्टम बनाना सिखाऊंगा। PVI सिस्टम बनाना सिखाने के बाद आप 100% रेलवे का, साइको टेस्ट का, मेमोरी टेस्ट में फेल नहीं होने वाले हैं। बाकी जो चार टेस्ट है वो बहुत हल्के, एक वीडियो इसके लिए भी बना दूंगा बाकी चार टेस्ट क्या होते हैं। तो इन पांच वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। A2Z Careers is always with you. My name is Dr. Kumar Puneetwal. You can follow me on Facebook and Instagram. Even you can write up your problems related to study. I will try to give you some solution. God bless you. All the success in your life. Railway Psycho Test में success के लिए तुरंत जुड़ जाइए मेरे चैनल से। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भेज दें, और ऐसी मेमोरी ट्रिक आने वाली नहीं है, ये थोड़ी टिपिकल है, लेकिन जिसने कर ली ना
वो सिलेक्शन ले लेगा। आज तक मैंने जितने बच्चों को ये ट्रिक कराई है वो सारे साइको टेस्ट निकाल पाए हैं 100%। लिखित में ले लेना, एक बच्चा मेरे पास लाइव करने आया हुआ है, मैंने उससे चार्ज किया है और वो मेरे पास रह के कर रहा है, 7 दिन की ट्रेनिंग मैं कराता हूं और 100% सेलेक्ट होगा। आपके लिए मैंने यूट्यूब पे दिया है, तो आप तुरंत मेरे साथ जुड़ जाना और आप देखना, कमाल हो जाएगा, साइको टेस्ट मेमोरी निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच।